राम राम भाई सारा ने। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द है अंकित भाई के। कौन है अंकित भाई और क्या है 75 हार्ड डे चैलेंज, क्यों लोग इसकी इतनी बातें कर रहे हैं, इसी की इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आपको एक वार्निंग है, इस वीडियो को अपनी रिस्क पे देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपकी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो सकती है। क्या पता इस ये वीडियो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को बदल के रख दे, कब आप जीरो से हीरो बन जाएंगे ये आपको पता नहीं लगेगा। तो इस वीडियो को एंड तक अगर आप देख रहे हैं तो ये आपकी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि 75 हार्ड डे चैलेंज ने आज अंकित भाई को पूरी दुनिया में, चाहे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, हर दूसरी वीडियो के बाद तीसरी वीडियो अंकित भाई की आ रही है। तो ऐसा क्या किया अंकित भाई ने, इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। 75 हार्ड डे चैलेंज की बात कर लेते हैं। अंकित भाई ने खुद के लिए, खुद की पावर को जानने के लिए एक चैलेंज खुद के लिए सेट किया। उन्होंने क्या चैलेंज लिया कि अब से वो रोज 3 से 4 लीटर पानी पिएंगे, रोजाना दिन में 2 बार एक्सरसाइज करेंगे, हर एक्सरसाइज 45 मिनट की होगी, एक घर के अंदर होगी तो एक घर के बाहर होगी, मेंटली फिट रहने के लिए बुक्स पढ़ेंगे और उसके बाद में पूरे दिन हेल्थी खाना खाएंगे ताकि उनकी मेंटली और फिजिकली बॉडी फिट रहे। तो ये चैलेंज उन्होंने किया, 75 दिन का चैलेंज था, उन्होंने पूरा किया, लेकिन बहुत सारे लोग इसके अंदर फेल हो गए। तो ये चैलेंज तो अपन ने जान लिया। अब आप जो वीडियो देख रहे हो, मैक्सिमम मेरे व्यूअर्स स्टूडेंट्स हैं, तो क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको कोई जिम तो करना नहीं है, आपको बॉडी बिल्डिंग तो करना नहीं है। अभी मेन गोल आपका क्या है, मेन लक्ष्य क्या है, वो है आपकी पढ़ाई, आपके एग्जाम्स, तो उसी की तैयारी अपन को करनी है। तो इस चैलेंज को स्टूडेंट्स के लिए मैंने मॉडिफाई किया है, और मॉडिफाई कैसे किया है आप उसको देख लीजिए। अगर स्टूडेंट है तो उसको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका मोबाइल टाइम कम करना है। भाई आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जो हमेशा आपके पॉकेट में रहता है, जब आप सोते हो तो आपके पिलो के नीचे रहता है, आपके बेड के पास रहता है, जब आप टॉयलेट भी जाते हो तो आपके साथ जाता है, यही है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, आपका मोबाइल। तो इस मोबाइल की लत को आपको सबसे पहले कम करना है। मोबाइल का टाइम आप कम करोगे तो आपके पास टाइम बचेगा, और उस टाइम को यूटिलाइज करना है आपकी पढ़ाई में। तो ये चैलेंज ले लो कि मैं आज से मोबाइल कम चलाना शुरू करूंगा, हर दिन मोबाइल टाइम को कम करूंगा और हर दिन पढ़ने के टाइम को बढ़ा दूंगा। ये आपके लिए चैलेंज होना चाहिए। एक्सरसाइज बेटा आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप बीमार हो गए, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और आप हेल्दी रहो, इसके लिए हेल्दी खाना बहुत जरूरी है। तो ये 4 चीजें आपके लिए ब्रह्मास्त्र बन के साबित होगी और आप बिल्कुल उन टॉपर की लिस्ट में शामिल हो जाओगे जिनके आज आप सपने देखते हो कि काश मैं भी ऐसा कर पाता। ये 4 चीजें आप चैलेंज में ले लीजिए, डेली इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल के रख देगा ये चैलेंज। तो ये तो हो गई स्टूडेंट की बात, अब बात कर लेते हैं मेरी। ये वीडियो मैंने किस लिए बनाया, आपको मोटिवेट करने के लिए, साथ में जो गंगा बह रही है उसमें डुबकी मैं भी लगा लेता हूँ। डुबकी क्या है कि मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसी बैड हैबिट्स है जिनको मैं भी छोड़ना चाहता हूँ। तो वो बैड हैबिट्स क्या है कि मैं काफी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि ऑफलाइन तो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, इसी के साथ साथ मैं ऑनलाइन भी टीचिंग करूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है। वही है, अच्छी आदतें लगने में मेहनत चाहिए और बुरी आदतें तो अपने आप आ जाती है। पानी को अगर ऊपर भेजना है छत पे तो मोटर लगानी पड़ेगी, लेकिन छत से तो अपने आप ही आ जाता है। तो ऐसे ही मेरे लिए मैंने चैलेंज क्या लिया है, 75 हार्ड डे चैलेंज मेरे लिए क्या है, 3 चीजें मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है मेरी हेल्थ, दूसरा है वेल्थ और तीसरी है हैप्पीनेस। हेल्थ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 चीजें करूंगा आज से। एक तो हेल्दी खाऊंगा और डेली एक्सरसाइज करूंगा। बेटा वास्तव में रियलिटी ये है कि एक्सरसाइज करना बहुत बोरिंग प्रोसेस है, कोई भी खाना तो टूसना चाहता है, खाना चाहता है, कुत्ते की तरह सुअर की तरह खाता रहेगा, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करने में मेहनत लगती है और आपका माइंड मेहनत वाली चीजें टालता है। तो मैं भी एक्सरसाइज डेली नहीं कर पाता हूं, तो सबसे पहले मैं चैलेंज यही ले रहा हूं कि डेली एक्सरसाइज करनी ही करनी है। हेल्दी खाना है, मुझे पता है कि पिज्जा बर्गर पेटिस सब में टेस्ट होता है, पालक की सब्जी में कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन वो पालक की सब्जी आपके लिए अच्छी है। जिस समोसे को आप रोजाना खा रहे हो वो समय समोसा आपके लिए अच्छा नहीं है। तो हेल्दी खाना है, 2 चीजें हैं जिससे मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगली बात करते हैं वेल्थ। भाई हेल्थ अच्छी है, लेकिन क्या पूरी प्रॉब्लम हेल्थ की वजह से है? आप स्टूडेंट लाइफ में हो, लेकिन हमारा तो परिवार है, तो हमें पैसा चाहिए परिवार को अच्छे से रन करने के लिए और जीवन को बिल्कुल सुखमय बनाने के लिए। अब देखो ऑफलाइन तो मैं वर्क कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, दिन भर पढ़ाता हूँ, लेकिन
और मेरे बिजनेस को ग्रोथ लेने के लिए मुझे चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ पिछले 3 साल से कि कंसिस्टेंसी के साथ से यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे फ्री में वीडियोज बच्चों को दूँ, ताकि जो मेरा बिजनेस है वो ग्रो हो, मेरा जो ब्रांड वैल्यू है वो इंक्रीज हो। लेकिन ऐसा मैं नहीं कर पाता हूँ, वही बहुत सारे बहाने, कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है। तो उस कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए मैंने चैलेंज लिया है कि मैं रोजाना एक रील, जो अपने एक्सपेरिमेंट होते हैं फिजिक्स के उनसे रिलेटेड, और एक लॉन्ग वीडियो, एजुकेशनल लॉन्ग वीडियो अपलोड डेली करूं। तो इससे मेरा वेल्थ वाला जो गोल है वो कम्प्लीट हो जाएगा। अब आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपके पास पैसा भी है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं हो, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कोई भी आपको आके कुछ बुराई कर देगा, कोई आपका कमियां बता देगा तो आप दुखी हो जाते हो। तो उन सारी चीजों से बचने के लिए, मेंटली पीसनेस, माइंड के अंदर शांति लाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा। अब हैप्पीनेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी, भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। तो इन किताबों से आपको मिलेगा ऐसा ज्ञान जो लोगों की बातों का असर आप पे होने से रोकेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये चैलेंज मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखते हैं 75 हार्ड डे चैलेंज में पूरा कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। और इसका अपडेट आपको रोजाना वीडियो के माध्यम से हर दिन आपको मिलता रहेगा। जिस दिन भी अपन इस चैलेंज में फेल हो जाएंगे, वहां से जीरो से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं 75 हार्ड डे चैलेंज मेरी जिंदगी बदलता है या नहीं बदलता। जिंदगी बदलने का इन द सेंस, आज जिस जहां पे मैं हूं उससे मैं बेटर बन पा रहा हूं या नहीं बन पा रहा हूं, इस चैलेंज का लेने का मेरा बिल्कुल उद्देश्य क्लियर है। तो देखते हैं 75 हार्ड डे चैलेंज। अच्छा, आप 75 हार्ड डे चैलेंज अगर ले रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यस सर, आई एम एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज और मैं अपनी लाइफ बदलने के लिए तैयार हूं। बाकी ऐसे ही वीडियो अगर आपको रेगुलर बेस पे देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैलेंज की हर वीडियो रोजाना आ रही है तो उसको आप जरूर देखें। फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।